मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। रोज़ाना ऑफिस जाते वक्त या घर से बाहर निकलते वक्त जब हम तैयार होते हैं और ख़ासकर जब हमने डेनिम या पैंट पहनी होती है तो हम में से ज़्यादातर लोग कमर पर बेल्ट ज़रूर बांधते हैं, लेकिन यह आदत तब मुसीबत बन जाती है जब हम रोज़ बेल्ट पहनते हैं और वो भी बेहद टाइट। इसके कारण दिन भर पेट की नर्व्स दबी रहती हैं और ऐसा लंबे वक्त तक करने से पेल्विक रीजन से निकलने वाली आर्टरी, वेंस, मसल्स और आंतों पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से कई तरह की गंभीर बीमारियां भी हो जाती हैं। पुरुषों में इस कारण स्पर्म काउंट कम हो जाता है, जिससे पुरुषों की फर्टिलिटी घटने लगती है। डॉक्टर्स का मानना है कि अगर ज़रूरी ना हो तो बेल्ट ना पहने और अगर पहनना ही है तो बेल्ट ढीली पहने। हाल ही में हुई एक रिसर्च से ये बात सामने आई है कि कमर पर टाइट बेल्ट बांधने से एब्डोमिनल मसल्स के काम करने का तरीका बदल जाता है। रिसर्च से ये बात भी साबित हुई है कि लंबे वक्त तक टाइट बेल्ट बांधने से रीढ़ की हड्डी में अकड़न आ जाती है, साथ ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी में भी बदलाव आता है। इसके कारण घुटनों के जोड़ों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, जिससे जॉइंट पेन की प्रॉब्लम भी पड़ जाती है। इसके अलावा भी रोज़ बेल्ट पहनने से या टाइट बेल्ट पहनने से हमारे शरीर को किस तरह के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं, आइए ये जानते हैं बारी बारी से। सबसे पहले तो टाइट बेल्ट बांधने की वजह से हमारे खाने का डाइजेशन ठीक तरह से नहीं हो पाता, जिस वजह से अपच और कब्ज की शिकायत बनी रहती है। साथ ही साथ टाइट बेल्ट पहनने वाले लोगों के पैरों में अक्सर सूजन भी रहती है और धीरे धीरे पैरों की हड्डियां भी कमज़ोर पड़ जाती हैं। इसके अलावा टाइट बेल्ट पहनने की वजह से कमर दर्द की प्रॉब्लम भी पड़ सकती है। तो ये थे वो सारे नुकसान जो कि टाइट बेल्ट पहनने की वजह से आपको हो सकते हैं। इसीलिए अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है बेल्ट पहनने की तो पहने, वरना इसे इग्नोर ही करें, क्योंकि अब तो आपको पता है ना कि बेल्ट टाइट पहनने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इन नुकसानों को खुद से दूर रखना है तो ये गलती दोबारा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी ही कुछ खास जानकारियों के साथ। फिलहाल अभी के लिए बोल्ड स्काई में बस इतना ही।